आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास सेवन का चैप्टर नंबर वन जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स फर्स्ट है न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं देखो हमारे फूड में बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स फैट्स विटामिन एंड मिनरल्स ये सभी कंपोनेंट्स को ही न्यूट्रियट्स कहते हैं उसके बाद है न्यूट्रिशन इट इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट होता है ठीक है इसी बेसिस पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को दो मेन कैटेगरी में डिवाइड किया गया First है फर्स्ट है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेकेंड है हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फर्स्ट है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स में पाया जाता है और प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं क्योंकि ये अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं ठीक है उसके बाद है हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बहुत सारे एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो अपने फूड के लिए प्लांट्स पे या दूसरे ऑर्गेनिजम पे डिपेंड करते हैं जैसे लायन है वो भी क्या है हिट्रोट्रॉफ है ठीक है क्योंकि वो अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम पे डिपेंडेंट है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उन्हें हिट्रोट्रॉफ्स बोलते हैं अभी हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट में होता है वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ठीक है ये डायग्राम प्लांट का है देखो तो जो लीफ होती है ना लीफ के ऊपर छोटे छोटे छेद से होते हैं हम सभी को दिखाई देते हैं जब हम उन्हें माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो कुछ ऐसे दिखाई देते हैं जो ये छोटे छोटे छेद होते हैं इन्हें ही स्टोमेटा बोलते हैं ठीक है इन्हीं के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर जाती है अब क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर जा रही है एटमोस्फियर से ही तो जा रही है ठीक है वाटर कहां से आता है सॉइल से आता है जिसको रूट एब्जॉर्ब करती हैं सन से एनर्जी मिलती है क्लोरोफिल ऑलरेडी लीफ में प्रेजेंट होता है तभी लीफ ग्रीन होती है ठीक है ये सारी जो क्राइटेरिया है फोटोसिंथेसिस का ये फुलफिल होता है इसी वजह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है एंड कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में फूड सिंथेसाइज होता है ठीक है इसी के साथ साथ ऑक्सीजन भी रिलीज होती है ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है एंड ऑक्सीजन रिलीज होती है इसी ऑक्सीजन को हम रेस्पिरेशन में यूज करते हैं इस ऑक्सीजन को प्लांट भी रेस्पिरेशन में यूज करते हैं ठीक है थीके? उसके बाद यही चीज लिखी हुई है यहाँ पे कि प्लांट में ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे क्लोरोफिल बोलते हैं और ये क्लोरोफिल हेल्प करता है सनलाइट को कैप्चर करने में जिसकी वजह से ही क्या होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अभी हमने पढ़ा था कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है क्योंकि लीफ में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ठीक है लेकिन कुछ लीव्स कलरफुल होती हैं जैसे ब्राउन रेड ठीक है उनमें फोटोसिंथेसिस होगा या नहीं होगा उनमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है लेकिन जो ये ब्राउन एंड रेड पिगमेंट होता है ये इस ग्रीन क्लोरोफिल को मास्क कर देता है मतलब छुपा देता है लेकिन इनमें भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है नेक्स्ट है एल्गी देखो जो पोन्ट्स होते हैं या फिर आसपास पास जहां पर पानी जमा रहते हैं वहां पर आपने ग्रीन कलर के पैचेस देखे होंगे ठीक है जो ये ग्रीन कलर के पैचेस होते हैं इन्हें एल्गी ही बोलते हैं इनके अंदर भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और इनके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है देखो इसके बाद है कि जो प्लांट्स होते हैं उनको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की ही जरूरत नहीं है अपनी ग्रोथ के लिए ठीक है इनको प्रोटीन एंड फैट्स की भी ज़रूरत होती है और जो ये प्रोटीन एंड फैट्स होते हैं ये नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस होते हैं अब नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस प्लांट को कैसे मिलेंगे हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन तो है बट प्लांट इसको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते लेकिन क्या होता है कि सॉयल में माइक्रो ऑर्गेनिजम प्रेजेंट होते हैं जैसे बैक्टीरिया वो इस फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ठीक है तो नाइट्रोजन की इस यूजेबल फॉर्म को प्लांट यूज करता है एंड प्रोटीन और फैट को सिंथेसाइज़ कर लेता है और इस प्रोटीन एंड फैट को वो यूज कर लेता है अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इसके बाद है कि जो प्लांट्स होते हैं ना उनमें अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है ठीक है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है अब क्या होता है देखो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता अब क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते क्योंकि क्लोरोफिल का मेन रोल होता ही ये है कि जो सन से एनर्जी मिल रही है उसको ट्रैप करना ठीक है क्लोरोफिल का काम है सन से आई हुई एनर्जी को ट्रैप करना ठीक है अब क्या होता है ऐसे प्लांट जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता उनमें हिट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है फॉर एग्जाम्पल कस्क्यूटा जिसे अमरबेल बोलते हैं हिंदी में अमरबेल दूसरे प्लांट्स के ऊपर क्लाइंब करती है आपने देखा होगा कि रोड साइड पे जो ट्रीज होते हैं उनके ऊपर येलो मैगी लाइक बेल लटकी होती है ठीक है अब क्या करते हैं ये ये जिस प्लांट के ऊपर लटकते हैं ना ठीक है जिस ट्री के ऊपर लटकते हैं उस प्लांट को बोलते हैं होस्ट ठीक है अमरबेल क्या करती है उस प्लांट से सारा न्यूट्रिशन लेती रहती है और तो जो दूसरा प्लांट है जिसके ऊपर अमरबेल लटक रही है अब उसको तो न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा वो तो धीरे धीरे फिर डेड हो जाता है फिर इस केस में क्या है कि अमरबिल तो क्या है पैरासाइट है और जिस प्लांट पे अमरबिल लटक रही है उस प्लांट को बोलते हैं होस्ट नेक्स्ट है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स देखो कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें नीड के अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन होगी जैसे पिचर प्लांट ठीक है इसमें क्या हुआ कि जो लीव थी ना लीव थी उसके टिप पे मॉडिफिकेशन हुई मॉडिफिकेशन में क्या हुआ कि वहां पर एक पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर बन गई जिसकी एक लिड भी है ऊपर ठीक है अब होता क्या है इंसेक्ट जब इस पिक्चर के आसपास या ऊपर आके बैठता है वैसे ही लिड बंद हो जाती है जैसे ही ये लिड बंद हो जाती है तो इंसेक्ट इसके अंदर ट्रैप हो जाता है जैसे ही इंसेक्ट ट्रैप होता है फिर क्या होता है कि जो ये पिक्चर प्लांट है ये डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करता है उसके बाद ये डाइजेस्टिव जूसेस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर देते हैं किल कर देते हैं और डाइजेस्ट कर देते हैं और फिर जो इंसेक्ट से न्यूट्रिय मिलते हैं ना उनको ये यूज कर लेता है ठीक है एज अ फूड तो इस केस में जो ये प्लांट है पिक्चर प्लांट है वो है पैरासाइट और जो इंसेक्ट इस पिक्चर के अंदर ट्रैप हुआ था वो है होस्ट नेक्स्ट है सेप्रोट्रोफ्स जो सेप्रोट्रॉफ होते हैं उनके अंदर सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ठीक है होता क्या है कि जो डेड एंड एंडेइंग मैटर होता है उसके ऊपर फंजाई ग्रो कर जाती है जैसे ही फंजाई इसके ऊपर ग्रो करती है तो फंजाई कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रिएट कर देती है इसी डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर ठीक है अब ये डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं इस डेड एंड डिकेइंग मैटर को सिंपल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं इस सॉल्यूशन के अंदर न्यूट्रिशन भी प्रेजेंट है ठीक है बहुत सारे न्यूट्रिएंट भी प्रेजेंट है तो फिर क्या करती है फंजाई इस सॉल्यूशन को एब्सॉर्ब कर लेती है और इसे एज ए फूड यूज कर लेती है अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए नेक्स्ट है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो साथ में रहते हैं ये शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट दोनों शेयर करते हैं इन्हें आपस में एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ठीक है किसी तरह का कोई खतरा नहीं होता ये मिलजुल के रहते हैं इसका एग्जाम्पल है रूट्स ऑफ पल्सिस एंड राइजोबियम बैक्टीरिया एक ऑर्गेनिज्म ये है

जो होती हैं इस यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन का यूज कर लेती हैं और प्रोटीन बना देती हैं ठीक है ठीके? तो दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट हो रहा है किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है सेकेंड एग्जाम्पल है लाइकंस लाइकस में क्या होता है कि जो फंगस होते हैं और जो एलगी होती है ये एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं ठीक है ठीके? अब होता क्या है कि जो फंगस होती है ये तो शेल्टर प्रोवाइड करती है एल्गी को और एल्गी फूड प्रिपेयर करती है और उस फूड को फंगस यूज करती है ठीक है